हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज आईयूपीएसी नेम ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स इज। सो हमें यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स दिया, हमें इसका आईयूपीएसी नेम लिखना है। तो सबसे पहले तो जो की कंसेप्ट हमें चाहिए दैट इज आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर। सो हमें जो आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर है उसके बारे में आइडिया होना चाहिए। तो बेसिकली हमें जो कॉम्प्लेक्स गिवन है दैट इज प्लैटिनम NH33Br NO2, यहाँ पे Cl और यहाँ पे Cl। सो इसको अगर हम सबसे पहले हम तो प्लेटिनम पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। तो प्लेटिनम पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए लेटेस्ट से प्लेटिनम पे 0 है, अमोनिया पे हमारे पास कितनी होती है 0, ब्रोमीन पे -1, NO2 पे -1, प्लस क्लोरीन पे हमारे पास हो जाएगी -1। एंड ओवरऑल ये किसकी इक्वल होगी, देखो यहाँ पे Cl पे -1 है तो ओवरऑल इस कॉम्प्लेक्स पे हमारे पास क्या आ जाएगा +1। तो एक्स किसके इक्वल आ गई 1, और ये -3 उधर जाके हो जाएंगे प्लस, दैट मीन्स +4। सो हमारे पास जो प्लेटिनम पे ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी वो आएगी +4। सो इससे इसके अकॉर्डिंग हमारे पास अब यहाँ पे सब में ही हमारे पास प्लेटिनम पे ऑक्सीडेशन स्टेट +4 गिवन है। सो अब इसका जो नाम होगा दैट इज ट्राई एमीन। वाई ट्राई अमीन, क्योंकि तीन अमीन लगे हुए हैं। अब उसके बाद हमने क्या करना है, अल्फाबेट वाइज देना है। देखो इसका नाम होगा ब्रोमो, इसका हमारे पास नाइट्रो, इसका क्लोरो। सो हमारे पास अल्फाबेट वाइज पहले क्या आएगा, ब्रोमो बी से, देन इट्स क्लोरो, देन नाइट्रो, एंड देन वी हैव प्लैटिनम। और इस प्लैटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है 4। सो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा दैट इज ट्राइअमीन ब्रोमो क्लोरो नाइट्रो प्लैटिनम 4। और उसके बाद हमारे पास एंड में यहाँ पे क्या लगा हुआ है, क्लोराइड लगा हुआ है दैट इज एनायन। तो वो क्लोराइड हमारे पास पीछे आ जाएगा। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनता है दैट इज ऑप्शन नंबर सी। होप यू फाइंड द आंसर। बेस्ट ऑफ लक।